मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहती है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली की सानू। गरीबों का जीवन का स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पद्धर दा किवें चक सकते हैं, ये साडियां प्रायोरिटीज ने। मेरे ते यकीन तुसीं कीता तां यकीन रखियो, मैं तुहाडा यकीन कदे टुटण नहीं दूंगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु दौरे के तहत धनुषकोडी में अरचल मुनाई पॉइंट पहुंचे, जहां से राम सेतु शुरू होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने इसी जगह से रावण को हराने की शपथ ली थी और यहीं से पवित्र मिट्टी को लेकर वो लंका के लिए आगे बढ़े थे। ये अरचल मुनाई पॉइंट वही स्थान है जहाँ से राम सेतु का निर्माण हुआ था। यहीं पर भगवान राम पहली बार विभीषण से मिले थे, तो उस लिहाज से इस जगह की एक अलग ही मान्यता रही है। और कुछ दंत कथाएं ये भी कहती हैं कि यहाँ पर प्रभु श्री राम के द्वारा विभीषण का राज्य अभिषेक भी किया गया था। आज भी तमिलवासी इस स्थान पर पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर अनेकों मंदिर भी हैं। इसीलिए ये जो अरचल मुनाई पॉइंट है, इसकी एक अलग ही सांस्कृतिक महत्व है। स्क्रीन पर चल रही इन तस्वीरों को देखकर आप इसकी खूबसूरती को महसूस कर सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तमिलनाडु दौरा बेहद खास है। ऐसा माना जाता है कि धनुषकोडी वो स्थान है जहां भगवान राम ने हनुमान जी को एक पुल बनाने का आदेश दिया था, जो उनकी सेना को श्रीलंका तक ले जा सके। जहां पर रावण ने माता सीता को बंदी बना रखा था और इसी जगह से वानर सेना द्वारा राम सेतु का निर्माण किया गया था, जिसे राम सेतु माना जाता है। इसके अलावा ये उस पुल का भी अंत माना जाता है, जिसे भगवान राम ने अपने धनुष और बाण से तोड़ दिया था। इसीलिए इस जगह का नाम धनुषकोडी पड़ा था। इस नाम का भी अपना एक भावार्थ है। ये रामेश्वरम का धनुषकोडी गांव है, जहां पर लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं, जो कि हर दिन हजारों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।